अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, तो इस मौसम में बहुत ज़्यादा गेस्ट्रो और इससे रिलेटेड जो है पेट की बहुत सारी बीमारियाँ बच्चों बड़ों सब में है। बड़े तो फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को जब होता है ये प्रॉब्लम तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और इसके बाद राफी के साथ भी यही प्रॉब्लम हुआ, इसको अचानक की पेट में दर्द और वॉमिटिंग शुरू हो गई और इतनी हुई है, इसको यकीन करें रात का टाइम था, समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसको क्या करूँ, क्योंकि एक और चीज़ों के दिनों में वैसे भी डॉक्टर्स वगैरह वो पे थे। और फिर मैं इसको हॉस्पिटल लेके गई पिम्स में, वहाँ इतना रश था ना कि मैं इसको फिर वैसे ही लेके आई हूँ घर ना। तो खैर फिर दो तीन दिन के बाद मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, जब ये क्लिनिक वगैरह खुल गए तो मैंने कहा चले, जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी वो बहुत अच्छी थी, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। बाद रात का टाइम होता है, क्लिनिक हॉस्पिटल बंद होते हैं और मेडिकल स्टोर फार्मेसी वगैरह वो तो हर टाइम खुली होती है ना। और बच्चों के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो तो हम लोग होम रेमेडीज भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो होम रेमेडी जो है वो ज़रा लेट इफ़ेक्ट करती है ना। बड़े तो कर लेते हैं, बहुत सारी बहुत अच्छी होम रेमेडीज हैं वॉमिटिंग के लिए और पेट दर्द के लिए, तो लेकिन बच्चों में थोड़ा सा टाइम लगता है, बच्चे रोते हैं तो माएँ और परेशान रहती हैं। इसलिए मैंने कहा जो मेडिसिन डॉक्टर ने दी, हम बहुत अच्छा डॉक्टर है, प्राइवेट हॉस्पिटल था, मैं वहाँ लेके गई इसको और उसने जो मेडिसिन दी वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा, राफी को जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी ना पेट दर्द के लिए, तो उसने ये फ्लैजल दिया था, ठीक है, सॉरी इधर से दिखा रही हूँ, पेट दर्द के लिए उसने फ्लैजल दिया था इसको, और वॉमिटिंग के लिए उसने दिया था नोविटेट दिया था। राफी की एज जो है ना तकरीबन 8 साल की होने वाली है, ये पेट दर्द के लिए उसने ये दिया था इसको, ठीक है। और वैसे अगर बच्चे को बुखार हो जाए या कहीं भी पेन भी हो तो उसके लिए ब्रूफन दिया था। ब्रूफन आप लोगों ने लेने डीएस ब्रूफन था सर, डीएस हाँ, क्योंकि ये छोटे बच्चों का है। और डॉक्टर ने कहा था अगर आपके पास घर में है तो कोई बात नहीं, आप ये दे दें, लेकिन वैसे आपने बड़े बच्चों का जिनकी एज जो है 5 साल से ऊपर है उनके लिए आपने डीएस ब्रूफन लेना है, वो बड़े बच्चों के लिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी मेडिसिन थी, क्योंकि इसके देते ही फिर इसको ये हुआ कि पेट में दर्द और वॉमिटिंग रुक गई। वॉमिटिंग जैसे ही रुकी है ना, क्योंकि फिर जो भी खाता था ना वो इसके स्टमक में रुक जाता था। पेट में दर्द था या स्टमक की वजह से कोई प्रॉब्लम हो गई ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि बच्चे जो है ना बाहर की चीज़ें खाते हैं, हटते नहीं हैं। हाँ वो बता रहे हैं कि मैंने ये मेडिसिन पी है, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि फार्मेसी तो हर टाइम खुली होती है, 24 घंटे खुली होती है। अगर आपको डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर की जो फ़ीस थी ना जो मैंने पे की वो 3000 उसकी सिर्फ फ़ीस थी, और ये जो मेडिसिन थी ना ये सारी मेरा ख्याल है 600 की है ये मेडिसिन जितनी भी थी, लेकिन जो फ़ीस थी उसकी वो थी 3000। तो मेरा ख्याल है आप लोग इतनी फ़ीस ना भरें, लेकिन कोशिश करें कि आप डॉक्टर के पास ही जाएँ। और लेकिन ये बहुत अच्छी मेडिसिन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, नोविटेट वॉमिटिंग के लिए, ठीक है, फ्लैजल जो है पेट दर्द के लिए बहुत बेस्ट है। वॉमिटिंग रुक जाएगी तो पेट का दर्द आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ठीक हो जाता है, और ब्रूफन तो हर टाइम हमारे घर में मौजूद होना चाहिए। अच्छा, पेट दर्द के लिए एक और बहुत अच्छा है, वो मुझे डॉक्टर ने एक बार दिया था राफी के लिए, वो भी ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट था, वो है ऑस्पर इम्प्यूल है, वो बच्चों को आपने 5 दिन पिलानी है सुबह शाम, वो तकरीबन मेरे ख्याल अंदर 500 का है ना, हाँ 500 के उसके अंदर होते हैं 5 ही होते हैं या 10 होते हैं, 5 होते हैं, लेकिन आपने वो 5 दिन पिलाने हैं, बड़ी हद 1000 के आ जाएंगे, लेकिन वो इतने अच्छे हैं वो ऑस्पर इम्प्यूल, आप लोग अपने घर में रखें, मेरे पास इस टाइम मौजूद नहीं है। अगर सिर्फ पेट का दर्द होना तो आपने वो इम्प्यूल जो है ना ऑस्पर के वो अपने बच्चों को देने हैं 5 दिन, उससे उसके पेट का दर्द जो है ना, क्योंकि पेट में दर्द बच्चों में मोस्टली पेट में कीड़े पड़ जाते हैं या बाहर की उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, तो सिर्फ अगर पेट का दर्द है तो आपने इनको ऑस्पर देना है। अदरवाइज अगर आपको वॉमिटिंग हो, साथ आपको बच्चों को ये है कि मोशन वगैरह हो, फिर आपको डॉक्टर के पास लाजमी जाना चाहिए, फिर घर में वेट नहीं करना चाहिए। अगर जस्ट वॉमिटिंग और पेट दर्द है और एक दिन का है तो आप प्लीज़ ये मेडिसिन लें और बच्चों के साथ जो है और बच्चों को दे दिए, ठीक है, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैंने कहा चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, मैं घुमाई जा रही हूँ, समझ नहीं आ रही। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलेगी, ठीक है।
अगर बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपने इसको डॉक्टर के पास लाजमी बच्चों को लेके जाना है। अदरवाइज मोस्टली मैंने बताया ना कि टाइम ऐसा होता है कि हम लोग बच्चों को हॉस्पिटल में नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए मैंने आपसे के साथ ये मेडिसिन शेयर की है। ये बहुत हेल्पफुल है और अल्लाह का शुक्र है राफी तकरीबन 3 से 4 दिन इसके पेट में बाद में इसको वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, तब फिर मैंने ये मेडिसिन ली और अल्लाह का शुक्र है फिर इसको एक दिन देते के साथ ही इसको ना वैसे फर्क पड़ना शुरू हो गया था। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। अगर आप लोग कुछ और मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और आप लोगों से लूँगी इजाज़त। मेरी तरफ से आप सब लोगों का अल्लाह हाफिज़।